that's the washroom. I don't know why it's like light for me. Okay, not bad. I don't know, इसका सामने वाला पेंट ऐसा क्यों है? आप देख सकते हो कि आधा कलर उड़ चुका है. Like, I don't know, टर्बुलेंस की वजह से हुआ या किस लिए हुआ, but थोड़ा अजीब लग रहा है. छोले इट्स माय फेवरेट. चावल वावल के साथ देखा तो लॉजिकल है. तो यार इंडिया के इस खाने को मिलता है 10 में से पूरा 11 पॉइंट 11 मार्क्स एक्स्ट्रा 1 मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग. एंड इधर सेंसर है. दिस इज द सेंसर फॉर लाइक इफ यू आर स्मोकिंग सिगरेट सेंसर. तो ये ऑटोमेटिक वो सेंसर बजने लगेगा तो केबिन क्रू आके आपको प्लेन से धक्का मार के नीचे फेंक देगी. बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बहुत ही अच्छा फ्लाइट है, बहुत ही अच्छा जर्नी है. कैमरा इधर है, इधर आई डोंट नो, मैं इधर देख के बोल रहा हूँ. सो कीप एडजस्ट. ओके back to the channel everyone, that's Budmash, we're back with another video. Aaj hai 3rd October 2021. Kal raat ko 3 ghante soya, sirf 3 ghante soya. Now mera flight hai 10:30 ka, to that's why I have to leave by 7:30. So basically aur ek morning flight. Morning flight matlab jaldi utho, sab kuch jaldi karo, jaldi mein sab kuch bhool bhi ho jata. So anyways, so that's my 3rd alone trip, jo ki na doston ke sath hai na family ke sath hai, jab pe main aur mera aatma jayega, like me and my soul obviously. ये है मेरा उबर. वंस अगेन फ्रॉम कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आज का वेदर एकदम साड़ू है, बोले तो एकदम फाड़ू है. बट द प्रॉब्लम इज मेरा गेट, लाइक दिल्ली वाला ये जो फ्लाइट है ना, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है. दिस इज द ओनली फ्लाइट जो कि कोलकाता दिल्ली टू लंदन जाता है. तो दैट्स वाई इसका गेट का थोड़ा पर्पज रहता है. लाइक कभी कभी ये इंटरनेशनल में देता है, कभी कभी नेशनल में देता है, आई मीन डोमेस्टिक में देता है. कुछ प्री बोर्डिंग अलाउंसेस फिलहाल तब दिखा रहे हैं अगरतला गुवाहाटी. गुवाहाटी जाए इसलिए गुवाहाटी चले जाते. चलो दिल्ली का प्लान कैंसिल, गुवाहाटी. डूड अभी एक गजब का चीज़ ये हुआ कि मैं पूरा टाइम ये सोच रहा कि आरटीपी से टेस्ट का रिपोर्ट अगर नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो क्या होगा. सब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि आरटीपी से टेस्ट का रिपोर्ट देखा ही नहीं उन्होंने. सब मजाक का चीज़ है. आई थिंक दिल्ली जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन जो थे वो हटा दिया गया है. अभी एयर इंडिया का काउंटर है 2 किलोमीटर दूर हमेशा जैसा रहता है, तो उधर जाना पड़ेगा. बेसिकली आई थॉट कि अच्छा सा नींद होगा. लाइक आई जस्ट स्लेप्ट अराउंड 2-3 मिनट डीप स्लीप जो होता है उस वैसा सोया. एनी वेज एक चीज़ क्या था कि मेरा जो फ्लाइट है जो कि है ड्रीम लाइनर, वो आ चुका है अपने गेट पे. एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो एयर इंडिया का एक क्लोथा ड्रीम लाइनर है जहाँ पे स्टार अलायंस प्रिंट किया गया है मेरे सामने एकदम. पर आप लोग नहीं देख पाओगे बिकॉज मैं उधर जाऊँगा तो मैं देख पा रहा हूँ, बट कैमरे सब लोग नहीं देख पाओगे. सिल आई वांट टू टेक रेस्ट फॉर 1/2 आवर फिर गेट पे जाएंगे. चलो अच्छा ये काम नहीं करता है. लाल संतरी पीला फिर हरा के बाद नीला, जस्ट लाइक वो गाना याद है. सो दैट्स माय बॉय टुडे जिससे मैं फ्लाई करके दिल्ली जाने वाला हूँ. एंड ये एयर इंडिया का वन एंड ओनली फ्लाइट है जो कि स्टार लाइन्स पेंट किया गया है. इसका टेल बहुत ही क्यूट सा है. आई डोंट नो इसका सामने वाला पेंट ऐसा क्यों है. आप देख सकते हो कि आधा कलर उड़ चुका है. लाइक आई डोंट नो टर्बुलेंस की वजह से हुआ या किस लिए हुआ, बट थोड़ा अजीब लग रहा है. बिकॉज लास्ट टाइम जब देखा था बहुत अच्छा लग रहा था, बट अभी कलर वाला उड़ चुका है. सो वो देखो दिस इज आवर फ्लाइट. दिस और अच्छा लग रहा है, बहुत सेक्सी सा फ्लाइट है. इट्स टाइम फॉर अ क्विक सीट रिव्यू. लाइक एज यू एज वी ऑल नो लाइक ड्रीम लाइनर का विंडो सबसे लार्ज होता है. द मोस्ट बेस्ट पार्ट है कि इसमें टिंट रहता है. लाइक यू कैन सी लाइक ये अभी ऐसा वाइट है. बेसिकली विंडो बहुत घिसा हुआ था, बट ये इसका बहुत प्रीमियम सा फीचर है. सीट पॉकेट में से मुझे ये मिला, लेट्स सी व्हाट्स दिस. आई गेस ये कोई हेडफोन है जो कि प्रीमियम जैसा है, बट प्रीमियम नहीं होता.
ओके नॉट बैड। एयर इंडिया का लोगो दिया हुआ, एक क्यूट सा प्यारा सा स्वीट सा हेडफोन जो कि काम करेगा कि नहीं करेगा विल सी लेटर। एंड साथ में लाइक फोल्डेबल टेबल, सामने टीवी है, सीट पे बैठे रहो बट सीट पे मत बांधो। ओके गॉट इट।
ओके नॉट बैड, मतलब वॉशरूम का दरवाजा लाइक कोई अंदर आता है तभी लाइट जलता है विच इज अ वेरी गुड थिंग, पावर सेव होता है। वॉशरूम में आप देख सकते हो ऐसा मिरर लगा हुआ है जो कि मस्त चीज है यार। सो रिफाइनरी सेंसर है आई गेस, एंड द बेस्ट थिंग इधर एक हैंड सैनिटाइजर भी है, टिश्यू। सो बेसिकली ड्रीमलाइनर का लाइक लेबोरेटरी बहुत अच्छा है, एनीवेज। और इधर बेबी सिटिंग करने की भी जगह है, ऊपर से एयर फ्रेशनर है एंड इधर सेंसर है। दिस इज द सेंसर फॉर लाइक इफ यू स्मोकिंग सिगरेट सेंसर, लाइक आप स्मोक करते हो तब ये ऑटोमेटिक जल उठेगा, सेंसर बजने लगेगा तो केबिन क्रू आके आपको प्लेन से धक्का मार के नीचे फेंक देंगे। ऐसा नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ। तो वॉशरूम को मिलता है एकदम 10 में से 10। लिटरली मैंने 10 मिनट का नैप लिया, फिर अनाउंसमेंट चालू हो गया, फिर दिल्ली लैंड करने ही वाले हैं। बस सुपर स्मूथ फ्लाइट, सुपर डुपर फूड, बट टेस्ट कुछ अजीब सा था। लाइक एंटरटेनमेंट सिस्टम भी सुपर, लाइक अराउंड 10 में इसको मिलना चाहिए नंबर 8 जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड एंड थोड़ा लाइक ग्राउंड सर्विस के लिए 2 मार्क्स कटते हैं इनका। मैं कॉकटेल देख रहा था, कॉकटेल को और एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। जो मिलते हैं दिल्ली पे। वेलकम टू डेनिस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस समय बाहर दोपहर के 12:50 हुए हैं और बाहर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। खाना है, बहुत भूख लग रहा है, साड़ू भूख लग रहा है। वैसे दिल्ली एयरपोर्ट में मैंने सुना था कि कारपेट बंद कर दिया, बट कारपेट है अभी तक तो अच्छा है यार, टच होता है बट कारपेट इट्स गुड। दिस इज लास्ट थिंग, लाइक इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू इट्स योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट। एंड तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी एंड बदमाश वाइज जी, फनी लव इट ऑल, किसी को नहीं छोड़ूंगा।